कृष्ण के कल की अवतार और सात चिरंजीवियों से जुड़ी है। कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में हैं। यह सात महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित सात ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमृता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वह सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय इस कलयुग में भी जीवित हैं, और वे सभी अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह सात महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं, और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्तिया मोह की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान का। श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वो हैं हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा को प्रचार करने की आज्ञा मिली है। तो शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे, और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पूर्ण शिव में समा जाएंगे। तो दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे, और ऐसी भी एक मान्यता है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्र गृह पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के आशीर्वाद किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। तो चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं महर्षि व्यास। कृषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद भागवत गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पांचवें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंका अदिति राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने को बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जो कि इस कलयुग के अंत तक वे भी जीवित रहेंगे। तो 6ठे चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने तो सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था, जहां तक आपकी इच्छा हो पैर रख दो, तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर दो। पदों में ही 3 लोक नाप दिए और 3रा पर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं, और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं। तो 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वह उन 18 महान योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, ये थे 7 महान दिग्विजय पुरुष जो कई हजारों सालों से किसी दीक्षा में इस कलयुग में जी रहे हैं। कल्कि अवतार जो कि इस कलयुग के अंत में होगा, और तब भगवान कल्कि इन 7 दिव्य पुरुषों के मार्गदर्शक बनकर इस पृथ्वी सभी अधर्मों का विनाश कर पुनः सतियों की शुरुआत करेंगे। बल्कि अवतार से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जो अंत तक बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद।